हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार मदरसा बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कुछ दिनों से काम नहीं कर रहा था, तो फिलहाल अभी काम करना शुरू कर दिया है। इस पर हम पहले ही वीडियो बनाकर बता चुके थे, तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रहा है तो कोई नया नोटिस जारी किया गया है कि नहीं, और साथ ही ये भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जो बिहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन का पोस्ट खाली है बहुत दिनों से, उसके लिए क्या सूचना है। बहुत से बच्चों का इस पर भी कमेंट रहता है कि चेयरमैन के बारे में बताए कुछ। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और फ्रेंड, जो रेशियो है चैनल सब्सक्राइब करने का और लाइक करने का बहुत ही कम है, तो इसलिए आप वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करें कि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है वीडियो नेक्स्ट बनाने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, यहाँ पे अब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी नया जो नोटिस है यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे थे नहीं शो कर रहे हैं। यहाँ पे वस्तानिया और फुकानिया का रिजल्ट का भी ऑप्शन था, स्कूटनी फॉर्म का ऑप्शन था, वो तो सारे ऑप्शन हटा दिए गए हैं। यहाँ पे सब पुराने ऑप्शन हैं और कोई नया ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे न्यू अपडेट में भी आएंगे, लेटेस्ट अपडेट में, तो किसी प्रकार का न्यू नोटिस जारी नहीं किया गया है। वस्तानिया रिजल्ट के बाद कोई भी नोटिस यहाँ पे अभी अपडेट नहीं किया गया है। और अब देखते हैं कि चेयरमैन के बारे में, तो देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे सिर्फ नीतीश कुमार और जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं श्री विजय कुमार चौधरी, उन्हीं का फोटो है। बिहार मदरसा बोर्ड के किसी भी सदस्य का यहाँ पे ना फोटो नहीं है, ना ही चेयरमैन अभी तक नियुक्त होने के लिए कोई यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, ना कोई सूचना है और ना ही किसी पेपर के माध्यम से इसके बारे में सूचना मिल रहा है। तो अभी बहुत ही स्थिति ख़राब है, ना कोई नेता के द्वारा, ना अल्पसंख्यक विभाग के जो मंत्री हैं उनके द्वारा किसी के तरफ से ये आवाज़ नहीं उठाया जा रहा कि बिहार मदरसा बोर्ड का जो चेयरमैन का पोस्ट है उसको फिलअप की जाए। तो आपका ये काम पड़ता है कि जो भी स्टूडेंट मदरसा में पढ़ते हैं तो आवाज़ उठाने की कोशिश करें, या आपने टीचरों से बोले कि साथ हम लोग का दे आवाज़ उठाए, क्योंकि मदरसा बोर्ड के चेयरमैन नहीं होने के कारण अगर परिवार का जो हेड होता है वही नहीं रहे तो कोई भी काम समय पर नहीं होगा, ना ही आपका परीक्षा समय पर हो रहा है, ना रिजल्ट समय पर आ रहा है, ना परीक्षा फॉर्म समय पर भराए जा रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम ने आपको देखने का पड़ रहा है, तो इसलिए आप लोग मांग करें कि चेयरमैन की नियुक्ति किया जाए। बस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।